बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू तलीम दोस्त डॉट कॉम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर की बुक चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नेम इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन ऑसिलेशन द काइंड ऑफ मूवमेंट। ओके, अब आज जो सबसे पहला टॉपिक इसमें डिफाइंड है वो है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन को आप वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, उसका सेकंड नेम ऑसिलेटरी मोशन। ओके, टू एंड फ्रॉम मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ मेन पोजिशन। टू इसको डिफाइन करेंगे टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम the mean position is called oscillatory motion। It's called as oscillatory motion। So this is defined with oscillatory motion। So next topic is periodic motion। Periodic motion so periodic motion is defined as the motion that repeats itself in a kind of period again and over and over again over and over again। apni jo motion ko change kare over and over again in a kind of period, so repeats itself in a motion, repeats itself in the motion in the equal intervals of time। So this is going to be your periodic motion in which the oscillatory motion repeats itself in the equal intervals of time। Equal interval of time में अगर वो अपने आप को repeat करे, periodicize करे, तो ये आपकी जो इसमें motion आएगी वो periodic motion में आएगी। So the इसकी examples में अगर आप examples लें, so the motion of mass suspended from a spring is one of the greatest example of the periodic motion। Examples: mass spring, mass suspended from spring is first one। The other one is the motion of a bob of a simple pendulum, bob motion। Of simple pendulum and the third one is steel ball rolling on a curved dish। मतलब कि स्टील बॉल एक्सपेरिमेंट भी है, स्टील बॉल रोलिंग ऑन अ डिश। So these are the examples of the periodic motion। So next the topic is which is very important, what is restoring force। Restore, the word generates itself meaning restore, restoring force। So the force which brings the system back to its initial position, wo force, the force which brings the system to its initial position back, the force which brings the system back to its initial position,
वुड बी कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स, इसको आप रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। ओके, सो रिस्टोरिंग फोर्स, द फोर्स विच ब्रिंग्स द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन, वो फोर्स जो कि उस सिस्टम को, जो भी आपकी मोशन हॉरिजेंटल मोशन हो रही है, पीरियोडिक मोशन को अपने उस पोजिशन पे दोबारा इनिशियल पोजिशन पे ले आए, वो आपकी जो मोशन होगी, वो जो फोर्स रिक्वायर कर रही होगी, वो रिस्टोरिंग फोर्स होगी। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स कुछ, देर आर सम रिक्वायरमेंट्स फॉर ओसिलेशन, ओसिलेशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज ओसिलेशन सिस्टम हैज रिस्टोरिंग फोर्स, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स का फैक्टर लाजमी होना चाहिए, देन इट वुड बी कॉल्ड एज ओसिलेशन, ओसिलेटरी मोशन, रिस्टोरिंग फोर्स। एंड द अदर वन इज इट शुड हैव द बेसिक एनर्शिया, इसमें एनर्शिया की प्रॉपर्टी लाए, डेफिनेटली लाए करनी चाहिए। सो द वाइब्रेटिंग बॉडीज, जो बॉडी बॉडीज वाइब्रेट करती हैं, इसकी एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो वायलेंट स्ट्रिंग जो प्रोड्यूस कर रही होती हैं, वो वेव्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं। सो बट वेरी फिनोमेना नेचर विच आर एक्सप्लेन बाय द कंसेप्ट ऑफ द वाइब्रेशन, सो वाइब्रेशन के कंसेप्ट से काफी कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसकी एग्जाम्पल जैसे गिटार नोट्स हैं, गिटार के जो आप स्ट्रिंग्स जो जब पुल अप करते हैं तो वो भी इसमें जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, वो SHM फैक्टर इंक्लूड होता है उसमें। सो द नेक्स्ट वन इज हुक्स लॉ, so it is going to be Hooke's law, it is very basic concept, Hooke's law. According to Hooke's law, this is very proportional, that force applied in a system is directly proportional to the strain produced in that kind of string or that kind of spring. सो जितनी फोर्स लगाई जाएगी उतना ही उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, द फोर्स विच इज अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन द स्प्रिंग। सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, व्हेन विद इन द इलास्टिक लिमिट, दिस इज द बेसिक पॉइंट, इलास्टिक लिमिट के पॉइंट में अंदर रहते रहते, दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी ब्रेक आउट। इलास्टिक लिमिट में, इन इलास्टिक लिमिट, इन इलास्टिक लिमिट द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट अकर हो रहा होगा स्प्रिंग के, उसके डेफिनेटली डेफिनेट प्रोपोर्शनल होगा। सो इफ यू आर गोइंग टू रिप्लेस इट बाय द बाय अ कॉन्स्टेंट एंड पुट द इक्वालिटी साइन, सो इट वुड बिकम एफ इज इक्वल टू के एक्स, सो दिस के इज गोइंग टू बी द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ऑफनली कॉल्ड एज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, जिसको स्प्रिंग कॉन्स्टेंट भी कहा जाता है। So, spring constant, the spring constant is defined as the force per unit length. Fk is equal to F by X, the force per unit length. Okay, अगर अब k का अगर आप unit निकालें, so it is going to be newton per meter. ये k का आपके पास unit आएगा, spring constant unit is k is equal to newton per meter, and its dimensions are very important. Dimensions are very important. Iski dimension aapke paas aayegi mt minus 2. So this is your dimension. So spring constant k is f divided by x. Its unit is newton per meter, and dimension as mt minus 2, which are written in the square brackets. Now the important topic is simple harmonic motion. Simple harmonic motion, the oscillatory motion in which the acceleration of the body at any instant
वो ऑसिलेटरी मोशन जिसमें एक्सेलेशन किसी भी खास बॉडी का एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रास तनासुब बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट अकर्स फ्रॉम द मेन पोजीशन, जो कि मेन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट अकर हो रहा हो एंड डायरेक्टेड टुवार्ड्स द मेन पोजीशन, और ये जो एक्सेलेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो मेन पोजीशन की तरफ दोबारा डायरेक्टेड हो, दिस वुड बी कॉल्ड एज SHM, दिस इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देंगे। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल आप मैस अटैच्ड इन स्प्रिंग ले सकते हैं कि उसमें आपका एक स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच्ड होता है और ये इस तरह जब इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है तो ये मूव करता है उसके फोर्स के एक्शन में, लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के साथ और ऑलवेज डायरेक्टेड होता है ये टुवार्ड्स द मेन पोजीशन। व्हेन इट इज गोइंग टू बी रेस्ट आउट, जब इसको छोड़ दिया जाता है तो ये अपनी रेस्ट पोजीशन की तरफ मूव आउट कर जाता है, दोबारा वापस उसकी तरफ चला जाता है। सो दिस इज डन विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी एग्जांपल द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, मोशन ऑफ मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, आई एम गोइंग टू राइट आउट हियर examples. Examples. The first one is motion of pendulum. The other one is motion of spring system. The other one is motion of a swing. So these are the examples of this SHM simple harmonic motion, motion of pendulum, motion of spring and the third one is a motion of swing. There are some conditions which are required for the SHM. कुछ conditions हैं जिनको follow करना लाजमी है, और जैसे कि condition उसकी थी oscillatory motions की कि उसमें inertia की property होनी चाहिए और उसमें restoring force का factor लाजमी implied होना चाहिए। इसी तरह इसकी भी कुछ options हैं, इसमें भी दो कुछ conditions हैं। वो conditions they are total four conditions. The first is it should have inertia. Same as the other one, इसका inertia आना चाहिए first condition. The second one is it should obey Hooke's law. ये Hooke's law को obey करे. The third one is same as the oscillatory motion, it should obey the force of restoring force. The third one is restoring force. And the last one is it should be frictionless. So these are the four conditions which are required in the SHM, simply simple harmonic motion, जो कि इसके लिए बहुत important है। किसी भी अगर किसी भी object में जैसे mass spring system के लिए चार चीजें apply करना बहुत important है कि उसमें inertia की property होनी चाहिए, उसमें Hooke's law applicable होना चाहिए, restoring factor, restoring force का factor implied होना चाहिए और frictionless system को होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मोशन ऑफ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। मोशन ऑफ मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग। सो दिस इज द टॉपिक, द मोशन वेन इज मैस अटैच टू स्प्रिंग। जब उसमें स्प्रिंग आएगा, जब स्प्रिंग के साथ मैस अटैच होगा, डेफिनेटली वो जो मोशन वो जो अप्लाई उसमें हो रहा होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन अप्लाई हो रहा होगा। सो इसमें Hooke's law की एप्लीकेशन अप्लाई होगी, एफ इज गोइंग टू बी के एक्स, और इसमें ड्यू टू द इलास्टिसिटी स्प्रिंग अपोजेस द अप्लाइड फोर्स, द अपोजिंग फोर्स वुड बी कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स। द फोर्स विच changes the direction of the spring. It means that if we have the spring here, yeah, there is a spring, it in rest position, if we pull it in dead position and if we are going to release it, this would become agitation. So
वेन वी पुल वेन जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई की तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर गया और मूव आउट कर गया, इसमें स्ट्रेचिंग होगी। अब जब हमने इसको लीव आउट कर दिया तो ये एक फोर्स अप्लाई हुई जो इसको इसकी मेन पोजिशन की तरफ लेगी। एज वी नो डैट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द ऑपोजिट फ्रॉम इट्स टुवार्ड्स इट्स मेन पोजिशन। तो ये अपने मेन पोजिशन की तरफ डायरेक्टेड हो गया, दोबारा उस मेन पोजिशन पर चला गया। सो हुक्स ला यहाँ पे अप्लाई हुआ, एफ इज इक्वल टू के एक्स, और इसमें जो वो फोर्स जो इसको वापस लेके गई, दिस फोर्स वुड बी कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स। इस फोर्स का नाम रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि इसको वापस लेके गई। सो द फोर्स विच ब्रिंग्स बैक इट टुवर्ड्स द टुवर्ड्स इट्स मेन पोजिशन, दिस वुड बी कॉल्ड एज इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। इसको इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स का नाम दिया जाएगा, एंड दिस वुड बी रिटन एज एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। दिस माइनस इज रिप्रेजेंट्स that the FR is directed opposite to x। ये जो इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है x, जो x इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है ये इसके ऑपोजिट है। सो दिस नेगेटिव साइन, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू पर्पसेस, नेगेटिव साइन शोज, दिस नेगेटिव साइन शोज डैट it is opposite to the applied or stretched stretched distance or displacement means x। so when the force is applied the distance is covered is x, jisne x distance cover kar diya to ye jo minus sign indicate kar raha hai, the minus sign indicating that it is opposite, the force is applying opposite to the displacement because it is applying in the direction of mean position but the distance is which is covered is in the opposite direction, so it is they are opposite in the direction, that's why we put the minus sign here। So from the second law, of Newton, we have this F is equal to ma, and if we are going to compare F is equal to ma first and the other one is F is equal to minus kx, if we are going to compare 1 and 2 we have ma is equal to minus kx, so ultimately it would become as A would be equal to minus k by m into x। So we knew that the mass will be used in this may be constant, वो constant होगा जो भी mass small होगा, it may be 5 gram, 6 gram, 7 gram, this may be constant and k is also the constant। So by dividing both the constants we have another constant, this would be called as minus constant into x, and if we are going to replace the constant with the sign of equality or with the sign of proportionality, this would become a directly proportional with minus x। so now we have to prove out that in the simple harmonic motion the acceleration is produced is directly towards the mean position, wo us mean position ki taraf hoga jo ki is minus sign se aap indication ho rahi hai, aur directly proportional hai us displacement ke jo ki usme produce ho raha hai, jitna usme jis us mass spring system mein jitna displacement aa raha hai, aur inversely aur iske oppositely proportional hai that it is centered towards the mean position, iska jo center hai wo mean position ki taraf hai, so it is defined by simple harmonic motion। so the next topic are instantaneous displacement, the next topic is instantaneous displacement। instantaneous so the displacement of the vibrating body at any distance from its mean position, this would be called as instantaneous displacement। I am going to write out here the distance of vibrating body at any instant any instant
this is important, at an instant, called as instantaneous. Displacement. So the distance of a vibrating body at any distance from its mean position, at any instant from its mean position, this would be called as instantaneous displacement, and is going to represent at only x. This would be represented as instantaneous displacement in this chapter, usually denoted by the x. So next we have as next definition, important one for the conceptual study, it is amplitude. The maximum distance which a vibrating body covers would be called as amplitude. It means that this is the body, and if it covers the distance of maximum here, so this is going to be amplitude. ये उस पॉइंट इसके पास जो हमारे पास वैल्यू आएगी, ये एम्पलीट्यूड वैल्यू होगी. इसको डोनेट किया जाता है एक्स नॉट से. दिस वुड बी डोनेटेड बाय एक्स नॉट इन दिस चैप्टर. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज वाइब्रेशन. वाइब्रेशन द कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी. कंप्लीट राउंड ट्रिप जो होगा बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन, अराउंड इट्स मेन पोजिशन, मैस स्प्रिंग सिस्टम में भी अगर आप देखें तो अगर वो मूव आउट कर जाएगा अपनी मेन पोजिशन की गिर्द, एक कंप्लीट वाइब्रेट करेगा, द कंप्लीट राउंड ट्रिप वुड बी कॉल्ड एज कंप्लीट राउंड ट्रिप कॉल्ड वाइब्रेशन. दिस वुड बी कॉल्ड एज वाइब्रेशन. नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड. The time required to complete one vibration, the time which is required to complete one vibration would be called as time period. Time period. Time required. To complete the time required to complete one vibration this is time period, and its units are, is this going to be presented as t capital T and having the unit second. So the next one is frequency. Frequency is defined as the number of vibrations completed in 1 second. वो vibrations जो कि 1 second में complete हो जाएंगी, they would be called as frequency. उनको आप frequency कहेंगे. And having the unit of hertz, this would going to have the units of hertz. और इसका एक बहुत important relation है, that it is the reciprocal of time period. Frequency is going to be reciprocal of 1/T. This is going to be denoted by small f, not by the capital F. That capital F is denoted by force, denoted to the force. We use the small f for this frequency, and it is reciprocal of time period. So f is equal to 1/T, and f has the units of hertz, and this is going to be very important, that f cross t is always equal to 1. This is the important one, that f cross t is always equal to 1. This is the frequency. Now if we deal with the angular frequency, agar hum angular frequencies ke sath deal karenge, so now what would be the relation? As we deal with this angular species, so if we deal with the angular frequency at the time period of the body executing SHM, its angular frequency. Now in angular frequency would be represented as omega. In simple harmonic motion, the angular frequency is represented by omega, and omega would be equal to 2π/T, and we can write it as omega is equal to 2π, 1/T will be known as frequency, so it would become 2πf. So this would become is equal to angular frequency is equal to 2πf. If we're going to have the trip of 2π, it means 368, and I have an angle of 360, this would be going to the angular frequency. Remember, this angular frequency is property of circular motion.
This is a property of circular motion. Now we have the basic backbone of this chapter. SHM and the angular motion. Circular motion. SHM and circular motion. So, in SHM and circular motion, if we have the mass attached in a spring, this is. हमें इसके रिप्रेजेंट करने के तरीके आने चाहिए, इसके इस रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं. सर्कुलर मोशन को डिफाइन करना है, फिर उसी तरह उसकी जो वेव प्रोड्यूस हो रही होंगी उनमें जो मोशन आ रहा है उसको डिफाइन करना है. आई हैव दिस एज हियर इट इज. दिस इज गोइंग टू बी द मैस अटैच विद स्प्रिंग एंड इफ वी अप्लाई द स्ट्रेन ऑन इट, फोर्स ऑन इट. सो in the circular position, this is the originated distance from the point P and point D, and this is the distance x. So this is going to be the amplitude x naught, and this is the distance x. So in the SHM motion, we have this is a kind of motion. So we have the distance from this to actually 2 pi, and round it is as 3 pi. मैंने इसको 3 pi तक लिख दिया है, लेकिन 2 pi तक इसके important यहाँ पे phrases में देखा जाएगा. So it would covering the distance of pi by 2 at every interval. Pi by 2. So this is going to be pi by 2. This is going to be pi by 2. At equal intervals of time, this is going to be equal span of the distance is covered. Equal distance cover हो रहा. So this is the example of SHM. Hence the comparison of motion and is going to be copy another. There is motion of projectile. So a projectile motion hai kisi bhi a mass spring attached with the circle, and this is going to be example of SHM. So we are going to explain the different quantities which we described earlier, instantaneous displacement, instantaneous velocity, and etc. related with this SHM. Going to explain by this example. So this diagram. Instantaneous displacement. Instantaneous displacement. From the figure, circle 1, we have this, that ON over OP is equal to sine theta. As this is not important for the MCQ's point of view, so I am going to describe it here, that we have the basic concept of this, and we can explain the other things which are important for the MCQ purposes. ON would be equal to OP sine theta, and ultimately ON we have this as x, and OP we have this as x naught, because this is the amplitude one, and this is sine theta. So this is going to be the relation, x is equal to x naught sine theta in the circular motion. So if we're going to replace theta with omega t, so this would become x is equal to x naught sine omega t. So this is the relation of instantaneous displacement regarding with the circular motion. So if we're going to describe the phase angle here, what is phase angle? So this at the start, there is an angle of zero. We have the angle of zero. At a particular position, we have the angle of first quarter. We have an angle of pi by 2. We have an angle of other quarter that at the distance which we are halved. हमारे पास पाई का डिस्टेंस है, उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस है 3 पाई बाई 2 एंड 3 फोर्थ क्वार्टर, एंड द लास्ट वन फॉर द कंप्लीट साइकिल वी हैव दिस 2 पाई. सो एट एवरी फेज वी हैव द फेज ऑफ पाई बाई 2. एक हर क्वार्टर में हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है वो पाई बाई 2 का फेज एंगल आ रहा है एट एवरी क्वार्टर.
So the next one is instantaneous velocity. Regarding to instantaneous displacement, we have the other one is instantaneous velocity. As described in the instantaneous velocity, it has the same relation as in the circular motion. And on the last, by applying the Pythagoras theorem, we will apply the Pythagoras theorem here by constructing a triangle. I'm just going to exemplify it, explain it that you have basic concept. And the last, jo MCQ's purposes ke liye, jo aapke liye important, jo aapke paas relation aayega, this would you have omega is equal to x naught square minus x square. Now this is very important and this may be asked in your examination. ये जो आपके पास instantaneous velocity आपके पास आई है, ये regarding to circular motion है. This is going to regarded with circular motion. Circular motion के साथ react करेगी. आपके पास यहाँ पे omega. So you have omega at the previous I told you that omega is equal to 2 pi f. So this may be written as 2 pi f और आपके साथ frequency की value change की जा सकती है. आपको मैं MCQs यहाँ पे described होंगे जिसमें आपको frequency में भी given हो और आपको velocity निकालने दी होगी. आपके पास omega की value given ना हो, x node आपको find करना हो, आपको बस x find करना हो. So this is be the important phase which you have to be remember that this equation in your mind that v is equal to omega under root x node square minus x square. So the direction of the velocity of an This direction it depend upon the phase angle. जिस तरह angle phase angle होगा उसी तरह उसकी direction भी change होती जाएगी. So instantaneous velocity को representation इसकी this is v. So the next topic we have is instantaneous acceleration. This is also regarded with this circular motion. We have some kind of special cases in the instantaneous velocity. I do not describe that. At mean position, when x is equal to 0, the velocity is maximum. This velocity is going to be maximum. When at mean position, जब आपके पास mean position होगी और कोई भी distance cover नहीं हो रहा होगा, तो उस जगह पे आपके पास जो relation आएगा, वो आएगा ultimately omega x naught. So this is maximum value you have. ये आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यूज आ रही होंगी ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन पे जब आप होंगे दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ये जो आपके पास एक्स है द फर्स्ट केस व्हेन यू हैव एट मीन पोजीशन सो दिस एक्स वुड बिकम जीरो एंड अल्टीमेटली इट वुड बिकम ओमेगा एक्स नॉट व्हिच इज द मैक्सिमम वैल्यू And the other case, when the body is at its extreme position, it means this would be is equal to x naught. वो x naught के बराबर आ जाएगा, उस amplitude के बराबर आ जाएगा, maximum distance के बराबर आ जाएगा. So उसके साथ subtract करके आपके पास जो relation आएगा, वो आएगा v minimum जो आएगी उसके ऊपर, वो आपके पास zero आएगी. So this going to be cut it out as x minus x. So we have the zero angle and velocity would be the zero. So v minimum would be equal to zero. So MCQ's purposes में आपसे पूछा जा सकता है कि आप इस position जब वो mean position पे होगी तब उसकी velocity क्या होगी और जब वो extreme position पे होगी तब उसकी velocity क्या होगी ये important है for MCQ's purposes. Now the next topic is instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration. This is going to be represented as A. और this is regarded with that motion. इसी के साथ रिलेट करेगा लास्ट में जो इसके पास आपके पास फ्रेज आएगा वो आएगा A is equal to omega square x. As we know that this acceleration is directly proportional to the applied distance or displacement, but it is regarded to the opposite direction. ये आपके हमेशा उस opposite direction में आएगा that it is always centered toward the mean position from which it is covered any kind of distance. सो स्पेशल केसेस हैं इसके सबसे पहले इसका जो केस है एट मीन पोजीशन जब मीन पोजीशन पे होगा जब इसका एक्स जीरो होगा द एक्सेलरेशन इज जीरो जब ये मीन पोजीशन पे सो द एक्सेलरेशन वुड बिकम जीरो ए वुड बिकम जीरो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट केस एंड द अदर केस
when this body is at extreme position, जब extreme position पे होगी, so when x is equal to x naught, so ultimately this would become a is equal to omega square x naught. So this is at its maximum position, max position. Okay. Now the next topic. This is done with the instantaneous displacement, instantaneous velocity, and the third one is instantaneous acceleration. Now the other one is phase angle. Phase angle. The angle theta. This theta, which is equal to omega t, the angle theta which gives the displacement, जो कि displacement के बारे में भी था, as well as the direction of the motion of point executing SHM, जो कि execute कर रहा हो SHM को, उसकी position भी बताए, this is going to be phase angle, which tells about the distance, sorry, displacement. The first thing, first one, and the second one is direction. ये दो चीजों के बारे में आपको बताया. द फर्स्ट वन जो आपके साथ रिलेट करे फेज एंगल के साथ, द थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, द फेज एंगल विच गिव्स द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ दैट पॉइंट एग्जीक्यूटिंग इन SHM, जो कि SHM एग्जीक्यूट कर रहा हो इन SHM. Noted this phase angle is always related with that circular motion. वो हमेशा circular motion के साथ regard करेगा. इसके भी cases हैं that x is equal to x naught sin omega t, we have this is in the instantaneous displacement. और ये जब भी relate करेगा आपके उस angle के साथ relate करेगा. At last this would be become x is equal to, if we changing this x is equal to x naught sin omega t. And if the angle is changed by the 90, अगर वो 90 के angle पे change अगर हो जाए, so ultimately we going to have x is equal to x naught cos omega t. So it all, the circular motion is always dependent upon the phase angle. When the phase angle is changed, there is different types of motion will occur. The angle will be changed, the sine ratios, the sine cosine ratios will be changed. So it is very important in this mass spring system in regarding with the circular motion. Phase angle which describes the first one is, first thing is displacement, as we have this displacement. And the second one is direction, which regarding with the sine and cosine angles, जो कि direction के साथ भी relate करेंगे, तो वो आपके पास इस तरह आएंगे. So this is the phase angle executing in SHM regarding telling about the displacement, and the other thing is direction. Now we have horizontal mass spring system. The next topic is horizontal mass spring system. हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम में आपके पास बेसिकली क्या है. हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल जैसे मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, वी हैव दिस एज दैट वन, इफ वी अप्लाई द फोर्स दिस वुड बिकम दैट वे, एंड इन द लास्ट इट वुड बिकम व्हेन द फोर्स अकर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विच इज द रिस्टोरिंग फोर्स आई टोल्ड यू बिफोर, दिस वुड बिकम दिस. ओके, अब यहाँ पे डिफरेंट तरीके से जो कि मैं पहले चीजें आपको बता चुका हूँ वही दोबारा रिपीट होंगी. दैट द फर्स्ट थिंग इज विच इज गोइंग टू रिपीट आउट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे जो रिलेट करेगा वही रिलेशन आपके पास लास्ट वन विच आई टोल्ड यू, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन at a particular instant, the vibrating body having the acceleration at a particular instant, this would be is equal to a is equal to minus k over m x, and ultimately this would become is minus x. And now other one is angular frequency, this is the new one, angular frequency. हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और इसमें जो रिलेट करके आपके पास लास्ट में आएगा वो आएगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के डिवाइडेड बाय एम. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
एंगुलर फ्रिक्वेंसी से आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है कि इसके रिलेशन में अगर हम मैस को चेंज कर दें तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा. मीन्स डेट ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के साथ. सो इफ इट इज गोइंग टू बी 4 मैस वुड हैव द वैल्यू ऑफ अल्टीमेटली 2. इसी तरह ये आपस में रिलेट करेंगे दैट आपका जो ये ओमेगा है ओमेगा रिलेट करेगा मैस के साथ दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों आपस में रिलेट करेंगे. अगर बिलफर्स यहाँ पे अगर आपको डिस्क्राइब्ड हो दैट मैस इफ द वैल्यू ऑफ मैस इज गोइंग टू डिक्रीज आउट दिस इज गोइंग टू बी इंक्रीज आउट. सो अगर आपके पास इसकी वैल्यू गिवन हो आपको कहा जाए इसकी वैल्यू आपके पास मैस की गिवन है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. सो इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ मैस इज इक्वल टू 16 आपके पास मैस की वैल्यू 16 है सो तो आप उसका अंडर रूट लेंगे अल्टीमेटली इट वुड बिकम 4 और 4 वहां पे जाके मल्टीप्लाइड अप हो जाएगा और इस तरह उसमें इस तरह अंडर रूट का फैक्टर जो है इम्प्लोज्ड अगर हो जाएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए जो कि चेंजिंग होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच. सो द नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड एज वी नो टाइम पीरियड वेरी वेल दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट वन वाइब्रेशन वुड बी इक्वल टू द टाइम पीरियड एंड अल्टीमेटली दिस रिलेशन वुड बी इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एम ओवर के. सो दिस इज योर टाइम पीरियड रिलेशन. टाइम पीरियड से आप इस तरह रिलेट कर सकते हैं. इसी तरह आपके पास फ्रिक्वेंसी सिंपल फ्रिक्वेंसी की आपके पास जो वैल्यू आएगी दिस वुड बी इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आपको पता है कि दैट एफ इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड वुड बी कॉल्ड एज फ्रिक्वेंसी दिस वुड बिकम एफ इज इक्वल टू 2π एंड के डिवाइडेड बाय एम. सिर्फ इतना सा चेंज आएगा इसके बीच में दैट इट वुड बिकम द रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम पीरियड एंड ultimately we have the value of instantaneous velocity as we described earlier that what is instantaneous velocity in the circular motion. So instantaneous velocity this would have the relation v is equal to x naught under root k over m 1 minus x square over x naught whole square. So this is very important that instantaneous velocity आपके पास ये relation आएगा v is equal to x naught under root k over m 1 minus x square over x naught square. आपका mass spring system में वो change कर सकते x naught की values. ये आपको याद करना पड़ेगा. इसमें कुछ tricks आपके साथ given होंगे. मे possible आपको constant की values जो है वो जीरो दे दी गई हो. अगर आपको सिंपली वैल्यूज की जीरो दे दी गई होगी तो अल्टीमेट रिलेशन इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी. तो आपको इतनी लंबी स्टेटमेंट में पॉसिबल आपके पास 4 लाइनों की स्टेटमेंट और आप 4 लाइनों की स्टेटमेंट पढ़ते वक्त आपको प्रॉब्लम होगी और आपको होगी अगर मैं इसको अटेम्प्ट करने जाए चला गया मेरे पास तो 1 मिनट भी पूरा नहीं है तो मैं किस तरह इसको अटेम्प्ट आउट करूंगा. सो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. देर वुड बी एस काइंड ऑफ ट्रिक जो कि उसमें गिवन होगा कि आपको मे पॉसिबल वहां पर मैथ की वैल्यू जो है आपको मे पॉसिबल आपको कॉन्स्टेंट जो है अगर वो डिस्क्राइब्ड हो इन द स्टेटमेंट दैट इट इज जीरो स्टेटमेंट एज ए न्यूमेरिकली गिवन ना हो दैट के इज इक्वल टू जीरो लेकिन स्टेटमेंटल वो गिवन हो 3rd लाइन में गिवन हो 4 लाइन्स में से तो आपको वो फिर पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा कि आप उस पॉइंट को पिकअप करें और अल्टीमेटली उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो अल्टीमेट आंसर आ रहा होगा वो जीरो हो जाएगा. स्पेशल केसेस जो मैंने आपको बताए हैं लास्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वहां से रिलेट करेगा वो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज कर देगा. अगर आपकी एक्स नॉट जीरो पे है और एक्स नॉट अगर वो आपका एक्स नॉट मैक्सिमम पोजिशन पे है विच इज एम्पलीट्यूड तो उसमें किस तरह वेरिएशन आएगी दिस वुड बी बिकम इजी टू डिफाइन. सो इसी तरह लास्ट में रिलेट करके जब उसने रिलेशन रिलेट किया बिटवीन इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी द लास्ट रिलेशन विच बिकम इज वी इज इक्वल टू वी नॉट सॉरी वी इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट का स्क्वेयर. सो दिस इज द रिलेशन दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वेलोसिटी दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. So this is the instantaneous velocity and this one is the maximum velocity. You have to relate out the both v is equal to v naught under root 1 minus x square over x naught whole square.
आपके साथ रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू पूछी जा सकती है, आपके साथ एम्पलीट्यूड को चेंज करके उसकी वैल्यूज में पूछा जा सकता है, वैल्यूज पूछी जा सकती हैं, एक्स के साथ रिलेट करके वैल्यूज पूछी जा सकती हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज को काउंट करने के लिए। देयर विल बी एमसीक्यूज गिवन, यू हैव टू सॉल्व आउट दैट। इफ यू गोइंग टू सॉल्व आउट दैट प्रॉपरली देयर वुड बी अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस फॉर यू। अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस होगी तो इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस, दिस वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ज्यादा अच्छा।